अयोध्या पहुंचे मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने हनुमानगढ़ी में हनुमान चालीसा का पाठ किया। सिसोदिया ने कहा कि मैंने उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना के लिए भगवान राम से प्रार्थना की। आगे कहा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर आपको आशीर्वाद के लिए हनुमानगढ़ी मंदिर में भगवान हनुमान से प्रार्थना की, ताकि राज्य के लोगों को दिल्ली की तरह अच्छी शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा, बिजली, पानी और रोजगार मिल सके। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तो मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके साथ ही उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए और कहा कि भगवान राम से ये प्रार्थना की है कि उत्तर प्रदेश में राम राज्य स्थापित हो सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें आशीर्वाद मिला तो उत्तर प्रदेश वासियों को भी वही शिक्षा, वही स्वास्थ्य सेवा मिलेगी जो दिल्ली वासियों को मिल रही है। देश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसी सरकार बनेगी जो भगवान राम के आदर्शों पर चलकर दिखाएगी, जो भगवान राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलकर दिखाएगी। अरविंद केजरीवाल देश के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो भगवान श्री राम के आदर्शों से प्रेरणा लेकर, रामराज के सिद्धांतों से प्रेरणा लेकर राजनीति कर रहे हैं और सरकार चला रहे हैं। पत्रकारों ने कैसे एक परिवार, और हर एक जिले में हो रहा है, लोग दूर दराज के गाँवों से अपने बच्चे को डेंगू होने पर साइकिल पर बिठा कर लेके आ रहे हैं और अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहा, अपने बीमार बच्चे को साइकिल पर वापस ले जाते हुए माँ बाप की तस्वीर दिल दिलाती है, उनके वीडियोस दिल दिलाने वाले हैं। हम कह रहे हैं हमारे मुंह में और बगल में, दिल में भगवान राम है और हमारे बगल में संविधान है। संविधान में बाबा साहब ने जिस भारत का सपना देखा था, आज तिरंगा उठा के